सब कुछ बताया होगा कि इस तरह की लड़ी बॉल जो कि आपको सारी दिख रही होगी कि मैंने कितने सारे लड़ी बॉल रखे हैं आपके लिए। बेसिकली आपके लिए रखे हैं क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि आपको मतलब इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो ये सब की जानकारी आपको रखनी जरूरी होती है। अगर आप मतलब समथिंग ये एलईडी बॉल रिपेयरिंग करना चाहते हैं या करते हैं तो ये सब की जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आखिरकार मैंने इस ये कौन से वीडियो बताने वाला हूँ आपको। सो भाई आप आज मैं समझाने वाला हूँ ये सारी बॉल की एम्पियर साथ साथ इसकी वोल्ट। आपको कोई नहीं बताया होगा कि मतलब इसकी कितने वोल्ट से ये चलती है, मतलब ये सब 9 वाट हो गई या आपका 45 वाट हो गया, 30 वाट हो गया, 50 वाट हो गया या क्यूब लाइट होगा, या आपको कितने वोल्ट मतलब इसके अंदर जो असेंबली रनिंग कराने के लिए, इस असेंबली को रनिंग कराने के लिए कितने वोल्ट जनरेट होती है, ये आपको कोई नहीं बताया होगा। लेकिन फाइनली मैं आज आपको विशेष रूप से बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि आखिरकार ये कितने एम्पियर और कितने वाट से, और वाट तो शायद आप लोग सभी लोग जानते हो क्योंकि बल्ब में वाट लिखी रहती है, लेकिन ये कितने एम्पियर लेती है, एक बल्ब कितने एम्पियर लेती है और साथ साथ ये कितने मतलब कितने वोल्ट से चलती है, सारी की सारी विश्लेषण आपको छोटी छोटी। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सीखो यूट्यूब चैनल। सो मेरे भाई अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। सो मेरे भाई मेरा एक और न्यू चैनल है जिसका नाम प्रिंस तिवारी द कुमार प्रिंस है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम द कुमार प्रिंस, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार ये कौन वोल्ट कितने वोल्ट से चलती है और कितने एम्पियर लेती है। सो मेरे भाई आपको फाइनली ये पता नहीं होगा कि 45 वाट 50 वाट तक की बॉल है या 9 वाट या 20 वाट या 12 वाट की बॉल कितने एम्पियर लेती है और कितने वोल्ट से जलती है। सो मेरे भाई बने रहिए वीडियो के साथ, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार कितने वोल्ट से सारी बॉल जलती है। तो मेरे भाई फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ये मतलब आपके पास ट्यूब लाइट हो गई, ये घर में ट्यूब लाइट हो गई, या ये टी लाइट आती है जो कि समथिंग है छोटा सा एक ट्यूब लाइट होती है वो होगी, ये आपका 45 वाट हो गया, 8 वाट हो गया या 12 वाट हो गया। तो मेरे भाई ये फाइनली हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये बहुत जल्दी कैसे है, और आपके पास अगर मल्टीमीटर ना हो तो इसकी वोल्ट कैसे निकाली जा सकती है। आपको बिना मल्टीमीटर के आपके वोल्ट निकाल के मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये कितने वोल्ट से चलती है। बस आपको ये किट देख के मतलब इस किट को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये बल्ब कितने वोल्ट से जलती होगी। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि सारी की सारी जैसे आपको मतलब ये दिख रही होगी सारी की सारी डीओबी में आपको एक कैपेसिटर तो मुमकिन ही मुमकिन है, क्योंकि बिना कैपेसिटर के आपकी कोई भी डीओबी नहीं जलती है। वो आपको कोई भी बल्ब हो जैसे आपके 45 वाट हो या ट्यूबलाइट हो, किसी में भी आपको सब में आपको एक कैपेसिटर लगा के दी होती है, जिसमें ड्राइवर लगा होगा उसमें कैपेसिटर लगा होगा, और जो डीओबी के नाम से आती है जिसमें कि डायरेक्ट बिजली कंट्रोल के नाम से आती है, अगर वो लगा होगा तो उसमें कैपेसिटर नहीं लगाए रहते हैं। सो मेरे भाई उसकी वोल्ट थोड़ी सी टफ होती है उसके निकालना, क्योंकि वो ज्यादा सक्सेस नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस होता है और बहुत ज्यादा दिन तक वर्क करता है। सो मेरे भाई फाइनली मैं समझते हैं कि आखिरकार सारी की सारी किट हो या आपकी ट्यूबलाइट मतलब आपकी 9 वाट बल्ब हो या आपका 45 वाट हो या आपका ट्यूबलाइट हो, कोई भी बल्ब हो, सब में सब आपका कैपेसिटर होना कम्पॉसिबल है। ये जरूरी है कि हर एक बल्ब में आपका कैपेसिटर होना ही होना होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार कैपेसिटर से वोल्टेज कैसे निकाली जाती है। सो मेरे फाइनली आपको मैं बात बता दूं कि सबसे पहले आपकी 9 वाट बल्ब जो आपकी रेगुलरली घर में यूज होने वाली है, ये बल्ब आपको अप्रोक्सली मैं 110% बोलता हूँ कि 50 वोल्ट से लेकर 63 वोल्ट के बीच में ये जलती है। ये मैं गारंटी नहीं बोल सकता हूँ कि एक बल्ब में कितनी वोल्ट होगी, लेकिन 50 वाट से 63 वोल्ट तक ही बस सीमित होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तो आप मल्टीमीटर से इसकी मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर में इसको कहाँ मेजर करना होगा, तो डीसी 200 पे जैसे ही मेजर करेंगे आपको डीसी 200 पे, तो इसकी वोल्ट आपको 50 वोल्ट से 63 वोल्ट के बीच में निकल के आएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी हो गई, अब बात करते हैं आखिरकार मतलब सारी की सारी बल्ब की वोल्टेज क्या होती है। सो मेरे भाई सारी की सारी बल्ब की वोल्टेज सेम होती है, यानी कि आपको ये 9 वाट हो या 5 वाट हो या 45 वाट हो या ट्यूबलाइट हो, सारी की सारी बल्ब की वोल्टेज सेम होती है। ये आपके मतलब 50 से 63 वोल्ट जैसे मैंने बताया, वैसा ही आपको 50 से 63 वोल्ट इसमें भी जलता होगा, 50 से 63 वोल्ट ट्यूबलाइट या 50 से 63 वोल्ट आपको कोई भी लाइट होगा जिसमें आपको डायरेक्टली मतलब उसकी अडेप्टर लगी होगी, वो फ्लोर लाइट हो या ये लाइट हो या ट्यूबलाइट हो या टी लाइट हो, कोई भी लाइट हो, बस 50 से 63 वोल्ट के बीच में जलती है। अब बात करते हैं आखिरकार 50 से 63 वोल्ट सब जलती है, तो मेरे भाई इस डीओबी से ये क्यों नहीं जलता। तो मेरे भाई इसके पीछे का रीजन है एम्पियर, मतलब ये 45 वाट है तो इसकी एम्पियर हाई होगी, और ये 15 वाट है तो इसकी एम्पियर लो होगी, ये 9 वाट है तो इसकी एम्पियर उससे कम होगी, इसके कारण से आपकी इसकी एम्पियर इससे मैच नहीं करता। अब एम्पियर के डिपेंड करता है ये डीटी जो लगी रहती है इसके। तो मेरे भाई अब बात कर लेते हैं आखिरकार ये आपके मतलब किट को देख के कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि आखिरकार ये बल्ब कितने वोल्ट से जलती होगी, मतलब आपको ये किट से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये बल्ब कितने वोल्ट जलती होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि किट में सारी की सारी कैपेसिटर कम्पॉसिबल है, यानी कि सारी की सारी किटों में कम्पॉसिबल कैपेसिटर लगा कम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं आखिर 9 वाट है तो इसमें एक कैपेसिटर लगी होगी, तो मेरे भाई कैपेसिटर की वैल्यू जब भी आप देखेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू वोल्ट से दुगुने लगाई जाती है, यानी कि हमको गरज मतलब की आवश्यकता अगर
10 वाट की है, मतलब 10 वोल्ट की है, तो उस जगह पे हम वहां पे यूज करेंगे 16 वोल्ट या 25 वोल्ट या 20 वोल्ट का कैपेसिटर। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि वोल्ट से दुगनी, मतलब दुगनी पावर की कैपेसिटर लगाई जाती है। वोल्ट की आवश्यकता हमको 5 वोल्ट की होगी तो वहां हम 10 का कैपेसिटर यूज करेंगे, 12 वोल्ट की आवश्यकता होगी तो हम वहां 25 का कैपेसिटर यूज करेंगे, 50 वोल्ट की आवश्यकता होगी तो मैं 100 का कैपेसिटर यूज करूंगा। सो मैं फाइनली जैसे आपको देखिएगी कैपेसिटर की वैल्यू, जैसे आप मतलब इस मैं ड्राइवर में देखेंगे तो आपको कैपेसिटर आपको दिखाई देगी 50 वोल्ट और 100 UF, यानी कि इसकी UF वैल्यू आपकी 100, जैसे आपको 100 भी हो सकती है, 47 भी हो सकती है, लेकिन वोल्ट आपको जब भी होगा तो ये 100 वोल्ट में ही होगा, क्योंकि इसको 50 वोल्ट से 63 वोल्ट के बीच में जलना है, इसलिए इसमें कैपेसिटर जब भी देखेंगे तो आपको 100 वोल्ट का ही लगाया रहेगा। वो आपका 9 वाट हो या 45 वाट हो या ट्यूब लाइट हो या कोई भी लाइट हो या आपकी फ्लोर लाइट हो बड़ी बड़ी, उसमें आप जब भी कैपेसिटर देखेंगे तो उसमें आपको 50 वोल्ट का ही लगा होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार 50 वोल्ट एक कैपेसिटर से हो सकती है, सो इसमें भी एक ही कैपेसिटर लगा होगा? जी मेरे भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपको दिखेगी कि मैंने इसका 45 वाट का एक किट लिया हूं, तो जैसे आपको दिखेगी कि इसमें 50-50 वोल्ट के 100-100 वोल्ट के 100-100 यूएफ में आपको तीन कैपेसिटर लगाई हुई होती है। जैसे आपको देखेंगे तो इसमें पैरेलल मोड में लगाई गई है, सीरीज मोड में नहीं है। पैरेलल मोड, अगर पैरेलल और सीरीज मोड नहीं है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसका दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि ये पैरेलल मोड में आपको तीन कैपेसिटर लगाई हुई होती है। जैसे आपको देखिएगा इसमें तीन लगाई है और इसमें एक लगाई है, तो जैसे जैसे आपकी किट के एम्पियर हाई होगी तो उसमें कैपेसिटर का रेंज बढ़ता जाएगा, यानी कि दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। जैसे आप ट्यूबलाइट में देखेंगे तो ट्यूबलाइट में आपको दो कैपेसिटर मिलेगी, जैसे ये 20 वाट की है तो इसमें दो कैपेसिटर मिलेगी, और ये 45 वाट की है तो इसमें तीन या चार कैपेसिटर आपको मिल जाएगी। सो मैं फाइनली आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी मतलब कंफर्मली समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, साथ साथ हमारे न्यू चैनल है जो उसको सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। सो मेरे फाइनली आपको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे खुशी होती है आपके लिए वीडियो लेकर के आने में। मेरे भाई जैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बताते हुए जरूर जाइएगा। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, फॉलो करें, डायरेक्ट मैसेज बात भी कर सकते हैं। सो मेरे भाई मिलते हैं एक नए टॉपिक नए जुगाड़ के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाजत। जय श्री राम, बाय बाय।